हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा टॉपिक नगरीय आंदोलन और हिंसा यानी कि अर्बन मूवमेंट एंड वॉयलेंस। अभी न्यूली एडेड है आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें, तो जो लोग दिसंबर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एंड जो यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जो सोशोलॉजी से रिलेटेड अदर एग्जाम्स हैं, तो सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछे या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अर्बन मूवमेंट एंड वॉयलेंस। अभी क्या हो रहा है कि जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है, मीन्स कि इतना अधिक नगरीकरण हो रहा है कि जो नगरों में जनसंख्या है वो उसका अतिरेक हो गया है। वहाँ पे जितने संसाधन मौजूद हैं उसके दुगुनी जनसंख्या वहाँ पे चली जा रही है अति नगरीकरण की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी वहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि आवास की समस्या आ रही है, इनकम की प्रॉब्लम आ रही है और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से जो नगरों के जो लोग हैं उनके मन में एक तरीके का असंतोष उपज रहा है। मीन्स कि उनमें एक जो ऊंच नीच की जो खाई है वो ज़्यादा बड़ी होती जा रही है अति नगरीकरण की वजह से। जो अमीर है वो और अधिक अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं तो चूंकि उनको रहने की भी सुविधाएं नहीं हैं, पीने का पानी तक की सही से उनको नहीं मिल पा रहा है और प्लस उनको सामाजिक तौर पे भी एक तरीके से अलग हेय दृष्टि से देखा जाता है, राजनीतिक तौर पे भी उनको बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उनके मन में एक अलग तरीके का एक असंतोष उपज के सामने आ रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि वहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं, वहाँ पे हिंसात्मक गतिविधियाँ हो रही हैं, लोग वॉयलेंट हो रहे हैं और वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। शेपर, ह्यूज एंड बोर्डियो, इन लोगों ने माना कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं जो अर्बन एरिया में, तो इसका मेन रीज़न है कि गरीबी वहाँ पे बहुत अधिक ज़्यादा है, वहाँ पे लोग भूखमरी से पीड़ित हैं, सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है उनका और उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। जैसे कि जो लोग गरीब हैं तो उनको एक तरीके से जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो उनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं, ऐसे जैसे कि वो इंसान ही ना हो। उनको एक तो वैसे ही खाने के लिए सही से चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं हैं, बिजली की सुविधा नहीं है, एक तो वैसे ही उनके पास सुविधाएँ नहीं हैं, प्लस जब उनका सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार किया जाता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है, तो वो लोग बहुत अधिक असंतोष से भर उठते हैं। तो जब वो एकजुट नहीं होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उनमें थोड़ा सा भी एकजुटता आती है तो वो हिंसक होना शुरू हो जाते हैं। कहीं वो अपराध करते हैं, कहीं पे वो हिंसा का सहारा लेते हैं, कहीं पे वो आंदोलन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी जो अति नगरीकरण है इसकी वजह से हो रही हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है, जो ये अर्बन मूवमेंट एंड जो वॉयलेंस है, इसका परिणाम ये निकल कर के आ रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो विकास के प्रयास किए जा रहे हैं, वो सही तरीके से सही मायनों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। मीन्स की कितना भी कोशिश की जा रही है लेकिन जो विकास की योजनाएं हैं वो सभी लोगों तक, या फिर कह लो कि जो उसके पात्र लोग हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं। ठीक तरीके से विकास हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो वो योजनाएँ हैं उनका लाभ दूसरों तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं, बस अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। तो जो विकास है वो असमान होता जा रहा है, जिसकी वजह से समाज में असमानता बढ़ती जा रही है, प्लस जो सामाजिक, आर्थिक और जो मतलब सार्वजनिक संपत्ति है उसको भी बहुत अधिक क्षति पहुंच रही है, जो सामाजिक वातावरण है वो भी बहुत अधिक खराब हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि गरीबी को कम करना चाहिए और जो ये सामाजिक बहिष्कार, ये जो असमान वाली चीज़ें हैं, कोशिश की जाए कि सोसाइटी में इन चीज़ों को कम किया जाए। ये जो स्तरीकरण की दृष्टि से जो निम्न लोगों को हेय देखा जाता है, तो हमें ऐसा ट्राई करना चाहिए कि जो ये लोग हैं इनको भी सम्मान का जीवन मिल सके, ये भी एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके, तभी इसका एक सोल्यूशन निकल सकता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।